किशोर दल शिशु विद्यालय का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सभी आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के निदेशक सतीश मुन्ना ने किया। कैसी लग रही आप लोग की? अरे यू के वी के सत्तरी बच्चे बचे हुए हैं, ट्रैक पर आ जाए। यू के वी के बाकी बचे हुए बच्चे नॉट पास, कोई शोर हो नहीं। जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, कृपया हमारे पास आ जाए। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। चलिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए साथियों। और सर, आज आपके स्कूल में खेलोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, किशोर दल शिशु भवन शाहबाद की सबसे पुराने स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में सबसे पहला स्कूल पूरे शाहबाद की थी ये, बीच में और शहर की सबसे अच्छी स्कूल थी। 1955 में इसका स्थापना हुआ था और बीच में अपरिहार्य कारणों से, उस कारण के पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो स्कूल बंद हो गया था। लेकिन मेरी जब नज़र पड़ी कि नहीं, ये स्कूल पुराने स्कूल है और एक स्टेटस वाले स्कूल थी, तो इसको पुनर्जीवित किया जाए। और हम अपने दोस्तों से, शिक्षाविदों से, जीतू जी से, अपने सहित दोस्तों से मैंने इस पे राय मशवरा किया और सब लोगों ने हमको स्कूल में इसके बारे में क्या बोलेंगे। बच्चे और बच्चियों का, गरीब बच्चों और बच्चियों का जो सतीश मीना जी स्कूल चलवा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। समाज की सेवा करते होते हैं, मैं अपने बच्चों से आग्रह करूंगा, ये समाज सेवा का एक पहल है जो कि गरीब बेसहारा बच्चों को ये अपने स्कूल खुलवा कर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। कल के बाद 2019 भी उनको अच्छा शुभकामना हम अपने तरफ से देते हैं। तो खेल बच्चों के लिए कितना जरूरी है,
जितना पढ़ाई लिखाई जरूरी है उससे कम खेल जरूरी नहीं। मतलब कि आजकल ज्यादातर परिवार बोलते हैं कि दिन भर खेलता है लड़का, पढ़ाई नहीं करता है, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, कारण खेलने से बच्चा स्वस्थ रहता है, शारीरिक माने उसका ग्रोथ बढ़ता है, हर तरह से फायदा है। आज के आधुनिकता में ज्यादातर बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, मैदानी खेलों से बहुत दूर हो चुके हैं। खैर, मोबाइल भी अभी नया युग में इसको जितना अच्छा है उतना खराब भी है लेकिन अच्छा के साथ साथ हर जो बच्चा इसे अच्छा गुण लेगा तो अच्छा होगा, जो अगर गलत तरह जाएगा तो गलत होगा। इसलिए जो भी सच्चाई यही है कि अच्छाई के साथ बुराई भी छिपा रहता है उसमें, तो बच्चा किस ढंग से उसको अपने परिवर्तन माने करता है उस पर निर्भर करता है।